तो हाय गाइस, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अब आपको रास्ते की अपनी जर्नी दिखाता हूँ और ऑफिस पहुँच के कनेक्ट करता हूँ। स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है हमने। तो चंडीगढ़ में चलान बहुत है। सो गाइस, फाइनली ऑफिस की पार्किंग में पहुँच गया हूँ। बुरा हाल हो रखा है पसीने से। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ, ये रही हमारी पौड़ियाँ। ये रहा फाइनली हमारा रेडियो। सो हाय गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपनी वर्क प्लेस पे और अभी ना मैं गाने डाउनलोड करने वाला हूँ शो के लिए। समझ नहीं आ रही कि कौन से गाने डाउनलोड करूँ यार, इतने सारे गाने हैं और नए नए गाने आ रहे हैं। वैसे एक फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, अगर मैं बात करूँ दिल जो मूवी का गाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने तेरा नाम दिल सही रखा, सही सुना आपने। और ये वाला जो सॉन्ग है हम आपको अपने डीवी रेडियो 107.8 FM में भी सुनाते हैं, तो आपको ट्यूनिंग करके रखना है। और मैं आपसे मिलवा दूँ मेरे साथ बैठी है रेखा मैम, जो कि कंटेंट लिखती हैं, बहुत अमेजिंग कंटेंट लिखती हैं। और ये हमारी ना रेडियो में बहुत हेल्प करते हैं हमारे जिंगल बनाने में और बहुत सारा, मतलब हमारे बीच जो वाइब मैच करता है बहुत अच्छा लगता है कि रेडियो के बीच में हम सारे काम करते हैं, गाने डाउनलोड करते हैं। और यार कहने से ज़्यादा वायर हिल गई है, हमें वायर लगा दूँ। बेटा मैम, आप कौन सा गाना सुनना पसंद कर रहे हैं? आपका हाई वोल्टेज वाला सॉन्ग बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन हम वो गाना सुनते हैं जिसमें कोई भी वायलेशन ना हो, किसी भी चीज़ के अब्यूसिव ना हो, किसी कोई वेपन्स ना हो, तो हम वो वाले गाने सुनते हैं। और अगर मैं बात करूं तो फुल पावर वाले गाने तो बहुत हैं। केसरिया कैसा लगता है आपको? केसरिया हम सुनते हैं अभी। फाइनली यार, हम ऑफिस पहुंच के हमने गाने वगैरह डाउनलोड कर लिए शो के लिए, सब कुछ रेडी पड़ा है, लेकिन अब टाइम हो गया स्क्रिप्टिंग का, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। सो रेखा मैम, पेन चाहिए था। अरे यार, पिटारा शो में यार हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जो कि मैच हुआ कल और यार इंडिया हार गए। खैर देखो, हार जीत तो चलती रहती है। अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी, डेथ ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने बहुत बोला कि यार उनकी वजह से वो मैच चला गया क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ी। लेकिन यार अक्सर ऐसे सिचुएशंस में ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाई प्रेशर मैच होता है, ऐसे सिचुएशंस में ना ये कैच छूटना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव को देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट ओवर में बहुत अच्छी जो की थी वो बॉलिंग करी थी, तो डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो वहाँ मेरा मेन पॉइंट जो कवर अप का रहेगा वो यही रहेगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो पहला पॉइंट मेरा रहेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये मेरा पहला पॉइंट रहेगा। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो यार वुमेन क्रिकेट जो है ना बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो मेरे हिसाब से वुमेन क्रिकेट को उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जितना मेंस क्रिकेट को मिलता है। अब हमने देखा है कि यार इंडिया की टीम जो थी फाइनल तक पहुँच गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब उनका मैच हुआ था जब ICC वो वर्ल्ड कप के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल तक हमारी टीम पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ से हम हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन यार हम जा रहे हैं आरती के लिए, गणेश आरती के लिए।
सो टाइम हो गया बाइट्स लेके आने का। अभी हम जा रहे हैं बाहर सुखना लेक का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ जाके लोगों से बात करेंगे और उनकी बाइट्स लेंगे रिगार्डिंग जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसको लेके। सो गाड़ी सेट है, जाने लगे हैं। सी यू देयर। सो गाइस अब हम जा रहे हैं सीधा लेक बाइट्स लेने। सो गाइज आरजे किंग से टेक लेते हुए ना मैंने अब व्लॉगिंग का जिम्मा उठा लिया है और यहाँ पे ना चल रही है मतलब बाइट ले रहे हो। और ऐसा होता है यार, बाइट लेना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। सबसे पहले तो आपको लोगों के पास जाना पड़ता है और उनको लाइक कन्विंस करना होता है फॉर मतलब टॉपिक के लिए। और अभी वही चल रहा है, अभी यहाँ पे फिटनेस के ऊपर बात हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, तो कब से कर रहे हो सर आप? तो सर मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है मतलब जो आप करते हो? सर रनिंग है और डिप्स वगैरह है, बीम है। तो जिम वगैरह जाते हो? नहीं नहीं, जिम वगैरह नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर योगा वगैरह? योगा। किंग एंड आरजे हमारा ये भी एक मिशन रहता है कि बाहर जाके कनेक्ट करना, लोगों को देखना, उनसे बात करना और उनकी क्रिएटिविटी देखना। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग्स आर डन फॉर द डे। गर्मी हो गया थोड़ी, चलो ऑफिस पहुँचते हैं हम। सो हाय गाइस, स्क्रिप्टिंग हमारी डन हो गई है, अब हम जा रहे हैं स्टूडियो में अपने शो को रिकॉर्ड करने। तो चलिए आपको अपने प्यारे से स्टूडियो में लेके जाता हूँ। हाय गाइस, तो यह है हमारा प्यारा सा स्टूडियो, यहाँ पर हम अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। और यह है सारा स्टेशन का सेटअप। यह है राहुल सर जो कि स्टेशन प्रोड्यूसर हैं और जितने भी शोज़ वगैरह हैं सब यही देखते हैं, जिंगल ये लगाते हैं। और ये देख सकते हैं आप हमारे स्टूडियो का वाइब। और अभी ना मैं आपको एक लिंक रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। सो हाय ट्राई सिटी, आपने ट्यून इन किया है ट्राई सिटी का नंबर वन कम्युनिटी रेडियो देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़। और शो चल रहा है क्रिकेट का पिटारा, मैं हूं आरजे किंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। यार देखो, अर्शदीप सिंह को ना काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया है। देखो यार, अक्सर ऐसा है कि ट्रोलिंग हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बॉलर जो है ना बहुत बढ़िया है, वो मैच विनर बॉलर है। अब वो जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, काफी टेंस मैच था। ऐसे मैच में ना यार ऐसी कैचेस अक्सर छूट जाया करती हैं और इवन विराट कोहली ने भी यही बोला है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यार, आगे भी बहुत सारे मैचेस आएंगे, एशिया कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, सब उसकी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर। आप सुनते रहे 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज। हमारा आज का रिकॉर्डिंग सेशन हो गया कंप्लीट और अभी मैं जाने लगा हूँ बाहर, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। सो हाय गाइस, हाय अनीश सर, आ जाओ। हेलो रेखा मैम, क्या हाल चाल? प्रीति कहाँ, शो लिख लिया? लिख लिया। गाने सुन लिए? सुन लिए। अब हम सुनाएं गाने? हाँ। करें जैमिंग सेशन करें अनीश सर, एक काली करें? काली जुल्फों से अभी करेंगे, गिटार तो नहीं डालो, काली काली जुल्फों से फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, नचे काली काली जुल्फों से फंदे ना डालो। बोलो हमारा म्यूजिक सेशन स्टार्ट हो गया। मेरे साथ है आरजे अनीश, आरजे प्रीतो, रेखा मैम, राहुल सर और आरजे पिया। सो कौन सा गाना करने लगे हम? बेख्याल। बेख्याल आज की सारी रिकॉर्डिंग्स होगी, सारा काम डन हो गया। अब मैं अपने घर जाने लगा हूँ और घर जाने के बाद मैं आपको अपने घर पे भी दिखाऊंगा कि मैंने अपने म्यूजिक रूम को कैसे डेकोरेट किया है और आपको अपने घर का म्यूजिकल सेशन एक छोटा सा सुनाऊंगा। सो अभी सीधा घर जा रहा हूँ और घर से आपको सीधा वहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। बाय 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 रेखा मैम, आप कहाँ छुप गए? बाय बाय बाय। हाँ गाइस, सो फाइनली अब हम सीधा चल रहे हैं, छुट्टी टाइम हो गया, चलो बायोमेट्रिक लगाया जाए। सो गाइस बेसिकली ये ना मेरा म्यूजिक रूम है,
ठीक है। मैं कभी भी बोर होता हूँ तो अपने इस रूम में आ जाता हूँ गाना गाने और मतलब मस्ती करने यार, जब भी मेरा अपना मूड को मैंने लाइट करना होता है। गाइज और भी है स्टिकर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वॉल पे है और ये है मेरे फेवरेट, मेरी जान, मेरा गिटार और मेरा हारमोनियम। यार जब भी मैं बोर होता हूँ ना अपने इस रूम में आ जाता हूँ और म्यूज़िक करता हूँ, म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ, है ना, और अपनी आवाज़ में गाता हूँ यार, क्योंकि मुझे गाना गाना भी पसंद है। अभी मेरा नाक बंद है बट फिर भी आपके लिए मैं थोड़ा सा सुनाऊँगा क्योंकि अब मतलब वाइब बन गया, तो चलिए आपको छोटा सा गाना सुनाता हूँ। हाँ दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत होगी, अभी चलता हूँ फिर मिलता हूँ।